Okay, so listen carefully. This is a short video on the level 3 AM paper. So level 3 ka AM session ke baare mein, there is a lot of confusion and fear among students, especially Indian students. Because Indian students ko habit hai ki jab written exam aata hai to wo log bhar bhar ke likhte hai na. So they have heard that level 3 ka paper complete nahi hota hai, AM session chhut jata hai. Aur ab to CBT structure hai. तो वियर टाइप के डाउट्स आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच आई हैव रिकॉर्डेड दिस शॉर्ट वीडियो सो दैट इट कैन गिव यू सम गाइडेंस. जो पेपर माने पीएम सेशन है उसके बारे में कोई इशू नहीं है, इट इज सेम एज लेवल टू स्टफ. सो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एंड योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट द पीएम सेशन. लेट्स ओनली टॉक अबाउट द एएम सेशन. फर्स्ट थिंग, ये जो एएम सेशन है वो भी सीबीटी मोड में है. तो अगर सीबीटी मोड में है, इसका मतलब इस पर जो क्वेश्चन आएंगे उनमें या तो आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स, और या फिर आपको न्यूमेरिकल एंट्री बॉक्स दिया रहेगा. टेक्स्ट बॉक्स या न्यूमेरिकल एंट्री बॉक्स, जाहिर है न्यूमेरिकल एंट्री बॉक्स कब देगा, जब कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन है जहां पूछा है कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो और आपका आंसर आया 6.7%, आपने कैलकुलेट किया तो अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बॉक्स में आपको 6.7 टाइप करना है. उस पर कोई कैलकुलेशन, कोई वर्किंग शो ही नहीं कर सकते हैं, कोई चाहा भी तो भी शो नहीं कर सकता है. ओके, टेक्स्ट बॉक्स में कितने डेसिमल प्लेस पे देना है वो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि शो इन टू डेसिमल प्लेसेस. तो आपका आंसर आया है 6.72. यूजुअली परसेंटेज का ऑप्शन रहेगा नहीं, तो 6.72. तो वहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है न्यूमेरिकल एंट्री के अंदर. तो न्यूमेरिकल एंट्री का बात कर रहा था मैं, तो न्यूमेरिकल एंट्री में there is no scope of doing anything, it will only take numbers, decimals and commas, ठीक है ना. So that is the numerical entry वाला question, no working whatsoever. सब पर मेरे को working करने के लिए sheet चाहिएगा, वो मेरे को वहाँ provide होगा क्या? Yes provide होगा, आपको sheet pen दोनों provide होगा, आप उस पर अपना working कर सकते हैं, but वहाँ working लिखने का कोई जरूरत नहीं है, scope ही नहीं है numerical entry में. So what about text box? Now text box दो reasons के लिए. नंबर वन, कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको टाइप करके समझाना है, ठीक है, आई टॉक अबाउट आप कैसे समझाएं. नंबर टू, वो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको कोई कैलकुलेशन बताना है कि फॉर एग्जांपल सेम कैलकुलेशन, कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो, आपका आंसर आया 6.7%, तो आपको 6.7% लिखना है. आपको ये समझाना नहीं है कि 6.7% कैसे कैलकुलेट हुआ, कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ. यू डोंट हैव टू राइट एनी फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन हाउ डिड यू गेट द कैलकुलेशन. नो वर्किंग्स, no maths function, no formulas, no symbols, nothing. You just write the answer. Okay? Sir, 8 marks ka hua to bhi you just write the answer. Agar numerical hai to. Maine ye bol diya tha class mein, uske baad bhi log poochte ja rahe hain. Aur uska reason kya hai? Digest hi nahi hota na. Lagta hai keval 6.7 mein 8 marks kaise mil jayega. To aapka digestion phir kaun se hajmola ke goli ko leke hoga, wo mere ko samajh mein nahi aata hai. Theek hai, to suit yourself. कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी फॉर्मूलाज, कुछ भी नहीं दिखाना है इन द क्वेश्चंस दैट रिक्वायर एन आंसर, जहां पे आपको कैलकुलेट करना है. सर, व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस? तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यूजुअली उस टाइप के होंगे ना, डिटरमाइन एंड जस्टिफाई या डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन. तो उसमें एक क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन विच एसेट एलोकेशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस इन्वेस्टर, और दिया हुआ एसेट एलोकेशन ए, एसेट एलोकेशन बी, एसेट एलोकेशन सी, एसेट एलोकेशन डी. सर, आपने चार ऑप्शंस दे दिए. यस, अलाउड है. ये कोई लेवल वन या लेवल टू का मल्टीपल चॉइस पेपर नहीं चल रहा है. इस पे चार ऑप्शंस दे सकते हैं, एसेट एलोकेशन ए, बी, सी, डी. इन चारों में से एक चुनना है मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में, जैसे मल्टीपल चॉइस चुनते हैं, पर चार चार ऑप्शन, पांच पांच ऑप्शन हो सकते हैं. तो आपने चुना एसेट एलोकेशन बी. उसके बाद कनेक्टेड क्वेश्चन है, जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. आपने जो एसेट एलोकेशन बी चुना है उसको जस्टिफाई करना है, और जस्टिफाई करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स खुल गया. नाउ जस्टिफिकेशन में आपको जो आंसर लिखना है, उस आंसर में बहुत सारे पॉइंट समझाने हैं, मेरे को ठीक से सुनिएगा. पहली बात तो यह है कि आपको इसमें इंग्लिश का ध्यान नहीं देना है, माने आप करेक्ट इंग्लिश, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट स्पेलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. इनकरेक्ट इंग्लिश, incorrect grammar is required. Sorry, I'm saying is required because what do I do? Because people don't get the stuff. This is not an English test. Okay, you are specializing in fund management which has nothing to do with English. So you have to write whatever you want. Of course, it has to be in English.
ठीक है, बट द इंग्लिश नीड नॉट बी करेक्ट. फुल सेंटेंसेस कॉमा फुल स्टॉप आर नॉट रिक्वायर्ड. जैसे मैं क्लास में डैश डैश देके नोट्स लिखाता हूं ना, वैसे नोट्स चलेगा. फॉर एग्जांपल, सपोज आपने जो एसेट एलोकेशन भी चुना वो इसलिए चुना बिकॉज इस बंदे का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग था, पर जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग था वो केस आइटम सेट में लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग था. तो लोग रीजन क्या लिख के आते हैं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इज लॉन्ग. बट इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इज लॉन्ग तो आइटम सेट में लिखा हुआ है, यू शुड स्पेसिफाई ना. इन्वेस्टमेंट हॉराइजन इज लॉन्ग का मतलब ये हुआ कि वो शॉर्ट टर्म लॉसेस को बर्दाश्त कर पाएगा. सर आप तो हिंदी में बोल रहे हैं, वही तो बोलना चाह रहे हैं, हिंदी में बोलो इंग्लिश में लिखो. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन को शॉर्ट फॉर्म IH लिख सकते हैं. IH इज लॉन्ग डैश कैन सस्टेन शॉर्ट टर्म लॉसेस, कैन सस्टेन शॉर्ट टर्म लॉसेस और शॉर्ट टर्म डिविएशन आर टॉलरेबल. यू अंडरस्टूड, गिव डैश डैश शॉर्ट फॉर्म यूज करके आंसर लिखिए. कभी भी रिस्क फ्री रेट नहीं, RF. ठीक है, CAPM को CAPM लिख सकते हैं आप, पर आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना है. और आप शॉर्ट फॉर्म लिखिए एंड जो जस्टिफिकेशन करना है उसमें जो केस फैक्ट्स है वो केस फैक्ट लिखने के साथ साथ उस केस फैक्ट का क्या इंप्लीकेशन है वो भी लिखिए. डोंट जस्ट राइट द केस फैक्ट, ऑल्सो राइट द इंप्लीकेशन ऑफ द केस फैक्ट. ओके, अदरवाइज आंसर कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है, अगर आपसे पूछा है वो कि इस पर्टिकुलर पर्सन में कौन सा बायस है, रिप्रेजेंटेटिव बायस है या कंजर्वेटिव बायस है या कौन सा बायस है, तो एक क्वेश्चन में आपने चुन लिया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव बायस है, वो मल्टीपल चॉइस हो गया. अब बोल रहा है कि आपको जस्टिफाई करना है वो जो आपने ऊपर लिखा है, वो जस्टिफाई करते समय आप रिप्रेजेंटेटिव बायस को डिफाइन कर दो और उसके अलावा आप वो पोर्शन केस मैंने आइटम सेट का मेंशन करो जहां से रिलेटेड है रिप्रेजेंटेटिव बायस इस बंदे का और वो क्यों रिलेटेड वही बताओ. ओके, वो क्यों रिलेटेड है. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बिलीव करता था कि एक कंपनी बहुत घटिया है, दिस अ कंपनी जिसका हमेशा ग्रोथ रेट वगैरह खराब आया है, बट रीसेंट 2-3 क्वार्टर्स में उस कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़िया आया, परफॉर्मेंस बढ़िया है. तो मैं ये 2-3 क्वार्टर्स को देख के अब डिसीजन ले रहा हूं मेरे को बाई करना है स्टॉक. तो आज तक का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भूल गया, बेस रेट निगलेक्ट, और मैं केवल रीसेंट 2-3 क्वार्टर्स को ध्यान दे के डिसीजन ले रहा हूं कि मेरे को इस स्टॉक को बाई करना है. दैट इज अ केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बायस. और आइटम सेट में क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि भाई कंपनी का 5 साल से परफॉर्मेंस बहुत खराब था और लास्ट 2-3 क्वार्टर से बढ़िया आ रहा है. तो आप केस पहले रिप्रेजेंटेटिव बायस आप डिफाइन कर दिए. सर इसका मतलब डेफिनेशन लर्न करके जाना पड़ेगा, नहीं. रिप्रेजेंटेटिव बायस का मतलब क्या होता है, चलिए हिंदी में याद करते हैं. रिप्रेजेंटेटिव बायस का मतलब होता है अपने जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है, ओके, उसको क्लासिफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस और अपने प्रायर इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं. रीसेंट को ज्यादा वेट देते हैं, पुराने डेटा को कमती वेट देते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेटिव बायस. ये आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा. सर एग्जाम्पल दीजिए. रिप्रेजेंटेटिव बायस डैश, वी गिव मोर वेटेज टू रीसेंट न्यूज और रीसेंट इंफॉर्मेशन. वी लुक एट रीसेंट इंफॉर्मेशन एंड वी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस. वी डू नॉट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू आवर प्रायर बिलीव्स. ओके, या कुछ भी लैंग्वेज वैसा लिखना पड़ेगा. हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो, गलती इंग्लिश लिखो, डैश देखे लिखो, इनकम्प्लीट लिखो, बुलेट्स लिखो, रॉन्ग स्पेलिंग लिखो, देर इज नो इश्यू. ओके, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है. उसके बाद जाके अगर आपने वो डिफाइन कर दिया रिप्रेजेंटेटिव बायस, तो आप नीचे बोलेंगे 5 साल का परफॉर्मेंस खराब था, अभी 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस बढ़िया है. ये थोड़ी जस्टिफिकेशन हुआ, ये तो केस में लिखा हुआ था कि 5 साल का परफॉर्मेंस खराब था, 3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस बढ़िया है. आपको वो पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा ना. तो 3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस बढ़िया है, इसके कारण ये बंदे को पॉजिटिव, ये बंदा पॉजिटिवली इंपैक्टेड हो गया और ये इसके कारण स्टॉक का बाय डिसीजन ले रहा है. सर यू आर वंस अगेन स्पीकिंग इन हिंदी डेलिबरेटली. आप क्या लिखोगे, लास्ट 5 ईयर्स पुअर रिजल्ट्स, लास्ट 3 क्वार्टर्स रीसेंट 3 क्वार्टर्स गुड रिजल्ट्स, डैश पर्सन और इन्वेस्टर गॉट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, डैश हेंस डिसाइडेड टू बाय, डैश रिप्रेजेंटेटिव बायस. अंडरस्टूड, डैश डैश से तो मेरा सारा क्लास का नोट्स चलता है ना, तो वैसे ही आपको लिख के आना है. ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको चुनना है फंड कि फंड ए चुनना है या बी चुनना है या सी चुनना है या एसेट एलोकेशन ए बी या सी कौन सा चुनना है, वो आप चुन लिए, मल्टीपल चॉइस पे था.
और चुनने के बाद आपको जस्टिफिकेशन देना है, तो जस्टिफिकेशन में सपोज आप लिख रहे हो मैंने एसेट एलोकेशन ए इसलिए चुना है बिकॉज एसेट एलोकेशन ए में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ पैसा लगाया गया है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ पैसा लगाया गया है एंड इस इन्वेस्टर का से फाउंडेशन का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है। बट आप चेक करो, हो सकता है एसेट एलोकेशन बी में भी 10% लगाया गया है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। तो ये जो आपने रीजन दिया कि आई हैव चोजन एसेट एलोकेशन ए बिकॉज ऑल्टरनेट में 10% लगाया और फाउंडेशन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, दिस इज अ करेक्ट रीजन बट नॉट अ कंप्लीट रीजन बिकॉज दिस रीजन इज ऑल्सो वैलिड फॉर एसेट एलोकेशन बी। सो यू हैव टू वंस अगेन गिव अ रीजन ना कि ऑल्दो एसेट एलोकेशन बी सेटिस्फाई द इन्वेस्टमेंट होराइजन क्राइटेरियन, ओके द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, बट एसेट एलोकेशन बी में ये गड़बड़ है जिसके कारण ये नहीं है। तो यू हैव टू गिव आंसर्स विच आर कंप्लीट। अगर वो तो वो बात क्लास में ही हो चुका, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं कि अगर वो आपसे दो जस्टिफिकेशन पूछा है तो दो ही लिख के आना है सेपरेट पैराग्राफ में, दो लिख के आना है सेपरेट पैराग्राफ में, बुलेट्स वाइज लिख सकते हैं, डैश डैश लिख सकते हैं, पर एक ही पैराग्राफ में दोनों रीजन कंबाइन नहीं करना है, वो समझ नहीं पाएगा, आपको मार्क्स कटेगा। उसके अलावा दो रीजन पूछा है तो चार रीजन लिख के नहीं आना है, तो उस केस में फर्स्ट टू रीजन मार्क्ड होंगे, लास्ट टू रीजन वो देखेगा भी नहीं। ठीक है सर, कभी कभी ये लोग पूछते हैं इसका जो रिस्क टॉलरेंस है वो अबव एवरेज है कि बिलो एवरेज है कि एवरेज है। ठीक है, तो और सपोज आंसर में अबव एवरेज लिखा हुआ है, बट सर मैंने रीड किया तो मेरे को तो बिलो एवरेज लगा और मेरे पास बिलो एवरेज का रीजनिंग भी था, तो क्या मेरा रीजनिंग राइट हुआ, तो वो लोग मेरा बिलो एवरेज एक्सेप्ट कर लेगा? जब उसने क्वेश्चन बनाया है तो दो आंसर हो ही नहीं सकते। अगर उसने पूछा है कि बताओ रिस्क टॉलरेंस अबव एवरेज है कि बिलो एवरेज है कि एवरेज, इसका मतलब द आंसर विल बी वन ओनली, मे बी इन द क्वेश्चन इन द आइटम सेट देर आर टू और थ्री रीजंस विच सपोर्ट अबव एवरेज, देर इज वन रीजन विच सपोर्ट्स बिलो एवरेज, टू और थ्री रीजंस विच सपोर्ट अबव एवरेज, वन रीजन विच सपोर्ट्स बिलो एवरेज, सो टू और थ्री वर्सेज वन, हु विंस? अबव एवरेज विंस ना, सो यू कांट जस्ट जंप ओके सेइंग दैट नहीं पर ये रीजन तो बिलो एवरेज। अरे यार, क्वेश्चन एग्जाम डिजाइंड है, दे विल ट्राई टू इंश्योर दैट यू हैव टू स्ट्रगल ना, सो देयर माइट बी सम रीजन व्हिच गोज अगेंस्ट अबव एवरेज, डजंट मैटर, यू हैव टू सी ऑन द होल वेट कहां पे है, कहां के कारण राइट होगा, वो आपको देखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो सर एग्जाम में जो सुनते हैं कि लोगों का पेपर छूट जाता है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन दो तीन है। नंबर वन, डर, पहले से डर के साथ गए। नंबर टू, लैक ऑफ प्रेपरेशन, आपने कोई मॉक्स कोई कुछ दिया ही नहीं है, आपका रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, आप कैंडिडेट रिसोर्सेज मॉक टेस्ट वगैरह दिए नहीं है, पहली बार वहां जाके ओपन किए हैं टेस्ट, तो ऑब्वियसली रीडिंग स्पीड स्लो है, ये हो सकता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वापस वापस प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ने से क्या होगा, यू हैव टू डू क्वेश्चंस, सो समबडी इज नॉट डूइंग क्वेश्चंस उसका स्पीड लो होगा। दिस इज नॉट अ रेस, बिलीव मी, ये लोग इस तरह से डिजाइन नहीं किए कि आपका बहुत बार पेपर छूटे। इफ यू रीड पेशेंटली आराम से एंड यू थिंक अबाउट द आंसर, इफ यू हैव इंग्लिश विच इज प्रॉब्लमैटिक, डू नॉट वरी, थिंक अबाउट द आंसर इन हिंदी and then write the answer in English in as few words as possible using whatever short notations you want, okay? The examination or the exam, in fact, do you know something? Let me explain. Suppose on the whole AM session mein there are 10 vignettes, okay? 10 vignettes hai. Ab jo first wala vignette hai na, wo vignette ka jo questions hai, wo question keval ek hi grader check karta hai sare students ka. बिकॉज वो ग्रेडर को गाइडलाइन आंसर दिया गया है, गाइडलाइन से वो समझ गया है कि उसको क्या क्या ध्यान रखना है, एंड ही ग्रेड्स ऑल द आंसर्स थ्रू आउट द ग्लोब। अ सेकेंड ग्रेडर विल ग्रेड विनियट टू, अ थर्ड ग्रेडर विल ग्रेड विनियट थ्री। तो आप जब आंसर पढ़ते हो कोर में या स्क्वाइजर में या कहीं पे भी, तो आपको लगता है ऐसा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, अरे वो तो गाइडलाइन आंसर है जो ग्रेडर को दिया हुआ है। फिर ग्रेडर आपके आंसर में चेक कर, अगर आपने पॉइंट्स कवर किए हैं तो ग्रेडर हैज नो इश्यू, ग्रेडर विल गिव यू मार्क्स ऑन द सेम। ठीक है, कॉमा फुल स्टॉप लैंग्वेज ग्रामर डजंट मैटर बिकॉज पीपल आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम रांची, ओके, फ्रॉम आरा छपरा, फ्रॉम पाकिस्तान कराची, तो दे नो दैट इंग्लिश को अगर पैरामीटर बनाएंगे तो जो नॉन इंग्लिश
पीपल है, मैंने जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो लोग तो हमेशा ही कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज में रहेंगे। ठीक है, मेरे को पता है सीपीए एग्जाम जो है, सीपीए एग्जाम उसमें बीएससी का पेपर होता है और उसमें एक मेमो वगैरह टाइपिंग का पार्ट है, पर वो तो एकदम ड्राफ्ट करना पड़ता है हम लोग, इंट्रोडक्शन बीच का पार्ट लास्ट का पार्ट एकदम पूरा डेकोरेट विद प्रॉपर इंग्लिश, बुलेट्स नॉट अलाउड, दिस इज नॉट दैट, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट इंग्लिश एट ऑल, थिंक इन हिंदी राइट इन इंग्लिश। I think I have covered most of the points and बुद्धिमान को इशारा काफी है। और कुछ आपको अगर doubts वगैरह हो तो please इसी video के comments में आप अपना doubts raise कर दीजिएगा या फिर Q forum में doubts raise कर दीजिएगा so that मामला खत्म हो जाए। Okay, thank you.